एक तरबूज ये रहा, एक तरबूज ये रहा। ओ जो लो जब आए हैं इतनी दूर तो कुछ खा के जाए। सारा कराची है भाई, कराची टीम आई हुई है। बहुत मीठा है, एक्सट्रीम मीठा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम टू अनदर फूड व्लॉग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद सिटी के अंदर और हम यहाँ डे टूर के लिए आए थे। सो हमने आपने जो लास्ट व्लॉग देखा वो था हामिद की बिरयानी। सो हमने सोचा कि भाई एक और भी यहाँ का बड़ा फेमस स्पॉट है बिरयानी का, जो है अकरम। सो भाई अकरम की बिरयानी का व्लॉग बनाने जा रहे हैं। इस वक्त थोड़ी सी सड़कें यहाँ भी हो रही है, तो आगे शाहजान भाई जा रहे हैं गाइड करते हुए बाइक पे, ये पीछे पूरी बाकी आवाम बैठी हुई है। और अभी इस अकरम के पुलाव में अगर आप बाबा का कोई भी फीडबैक लेंगे उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि बाबा का भरा हुआ है पेट फुल। तो जब पेट भरा होता है तो बंदा सही तरह से फीडबैक नहीं दे पाता है, तो बाबा के एक्टिंग के पैसे आप खुद काट लीजिएगा अगर बाबा कोई फीडबैक देंगे। ऐसी है बाबा क्यों खाया आपने इतना पिछले ब्लॉग में? यार भूख खराब हो जाती है, फिर मुझसे नहीं खाया जाता बाद में, इसलिए मैंने बोला खा ले, मसला नहीं है। आपको पता है हम सोच रहे हैं कि भाई जाते जाते पल्ला मछली भी खाए। प्लेट मंगवाने के बाद इनसे खाया भी नहीं जा रहा था, बस जबरदस्ती इन्होंने उतारा है अपने। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता ये नदीजा बंद चीज का। ये है बस, अब जब एक प्लेट और लिया, दो प्लेट और लिया, क्यों? और इन्होंने तो बोला यार कम से कम एक किलो रबड़ी खाऊंगा आज मैं। और ये आ गए हैं हम ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आने वाले हैं। चलो जी मिलते हैं अकरम के पुलाव पे, अकरम की बिरयानी पे। तो बार बार पुलाव निकल रहा हूँ, अकरम की बिरयानी पे मिलता हूँ। यहाँ पे तो फुल आगे पीछे बिरयानी दिख रही है, बिरयानी है, ये बर्गर है, मिस्टर बर्गर। ये कौन सा? अच्छा न्यू मिस्टर बर्गर है भाई, ये अकरम आगे आ चुका है। अकरम भी आगे है जी, ये आ गया अकरम। और ये हम लगाने वाले हैं गनीमत पार्किंग, ये गनीमत हमने लगा दी पार्किंग मिल गई हमें, और आई होप कि किसी का घर ना हो। चलो जी हम यहीं पर लगा देते हैं पार्किंग। एक बंदा यहाँ पे इस तरह बनाते हुए बैठा हुआ। हाँ जी आ गए भाई, हम अकरम के पास आ गए। इनकी सिटिंग यहाँ पे और मेन जो इनकी ब्रांच है वो सामने है, अकरम बिरयानी एंड कोर का हाउस। एक तरबूज ये रहा, एक तरबूज ये रहा। ओ जो लो भैया, अभी असल में हुआ ये कि उनकी बिरयानी हो गई है ख़त्म, अब वो नेक्स्ट बिरयानी आ रही है, तो अच्छी बात है हमें गर्मा गर्म मिलेगी नए पतीले की। ऐसी इंतज़ार है नाश्ता करने के बाद, बिरयानी खाने के बाद भी इनको अभी भी इंतज़ार है। नहीं नाश्ता नहीं किया, नाश्ता दिया हुआ, नाश्ता दिया हुआ यार। वो रास्ते में अफवान पूरा आपने नान खाया जो? मैंने नहीं खाया, सबने खाया, मैं कोई अकेला थोड़ी था। तुम अकेले? नहीं थे, सब थे। और ये अभी जिद कर रहे हैं कि यार मुझे पल्ला मछली भी खिलाओ। वो भी है लेकिन वो थोड़ा लेट जा रहे हैं, मतलब है चांस पूरे हैं। अरे ये आए हैं इतनी दूर तो कुछ खा के जाएं, आए हैं तेरे घर पे तो कुछ तो भाई बिरयानी का वेट हो रहा था, बिरयानी आ चुकी है। इनके बाद बिरयानी खत्म हुई भी थी भाई, इन्होंने थोड़ा सा वेट करने का बोला। बिरयानी के रेट जो हैं वो 120 रुपये पाव है, 480 रुपये किलो है। चिकन भी दोनों के सेम रेट हैं सर। ये जो है सुबह 11 बजे से जो है रात को तकरीबन 1 बजे तक, रात 1 बजे तक होती है। तो भाई पुलाव हमारा आ चुका है, हम लोग यहाँ पे रह गए। शफीक भाई की बाकायदा कॉल आई है कि यार जल्दी आ जाओ, पुलाव ठंडा हो रहा है। क्या करना है वो बोलिए। तो भाई ये कुछ यहाँ के लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, तो हमने सोचा कि इनसे भी थोड़ा सा पूछा जाए कि ये बिरयानी कैसी है, क्या रिव्यू है। जैसे बिरयानी मैंने कराची में कहीं नहीं खाई। क्या कराची की बात है, कराची में कौन मिलती है? अकरम अकरम जैसी और उज़ैफा जैसी बिरयानी नहीं है। ये उज़ैफा भी हैदराबाद है? हैदराबाद। कराची बॉयज पहुँचे हुए हैं यहाँ पे सारे, कराची टीम आई हुई है। कराची से हो आप लोग? बिरयानी खाने आओ भाई जरा। आज जब हम कराची से हैदराबाद आए हैं तो यहाँ पे भी तकरीबन कराची वाले यहाँ आ चुके हैं। आप मलेर से आए हैं? आप बिरयानी खाने? बिरयानी खाने जो है हमारा ग्रुप आया, बाकी नहीं आए। भैया ये
पाव आ चुका है। इससे पहले और ज़्यादा रिस्क को जो ना वेट नहीं करवाते हैं, तो अकरम का पाव, मशहूर ज़माना अकरम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। डिफरेंट है, थोड़ा सा जो लास्ट जो हमने बिरयानी खाई सही वाकई में स्पाइसी है थोड़ी, क्योंकि मिर्चें नज़र भी आ रही है, प्लस जो इसके राइस है ना वो जो हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना गीला है, ये थोड़े से गीली बिरयानी है। क्यों बाबा भाई देखो हैदराबाद अगर आए हो ना तो ये हर शादी में आपको मिलेगी गुलत्ती। तो ये हमारे शारिक भाई स्पेशली लेकर आए कि आप जब आए हैं और आप यहाँ से जा रहे हैं तो ये खाते हुए जाइएगा। बाबा गुलत्ती इधर आता है तो भाई फर्स्ट टाइम, मैं तो फर्स्ट टाइम खाऊंगा, मैंने नहीं खाया सर। गुलत्ती गुलत्ती गुलाब जामुन भी और बहुत मीठा है, एक्सट्रीम मीठा है, अच्छा है। अगर कुछ लोग बिरयानी के साथ मिला के खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन हद से ज़्यादा मीठा है। रफीक भाई को बहुत पसंद आएगा ये। नहीं नहीं मीठा तो लगेगा ना बाबा, के दो गुलाब जामुन एक साथ खाई हैं तो मीठा तो लगेगा। खाली वैसे खाते तो एक अलग बात होती, दो दो गुलाब जामुन डाल के खा रहे हो तो मीठा क्यों नहीं लगेगा। पॉइंट की बात मतलब दो इस रेट पर आप जवाब दें आप। He is right, मतलब she is right. ओह हो, ये गुलत्ती भी ट्राई करूँ मैं, क्योंकि बड़ी मिर्चों वाली बिरयानी है। अच्छा इसमें पेठा भी है। इसमें कुछ और भी है ये? मतलब एक फ्लेक्स में है कुछ ऐसा? ये खोया है, खोया। क्या है खोया? ये देखें भाई, ये प्लेट के अंदर जो है ना जो माल था वो सब बाबा छांट के खा चुके हैं और कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा मीठा है। गुलाब जामुन भी पेठा था सब छट चुके हैं, खाली इन्होंने चावल छोड़ दिए। मीठा अच्छा है और आप चावल भी नहीं छोड़ोगे? हम हदबे ज़ायका चावल भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं हम हदबे ज़ायका क्या करें, ऐसा कोई कहा नहीं। ये आपने पूरी प्लेट खत्म कर दी है और हीरो बन रहे थे ना वहाँ पे भी खाना था आपने, वहाँ खत्म कर दिया। भाई ठंडी ठंडी बोतलें आई हैं आइस बॉक्स से निकल के, अगर ये आइस बॉक्स नहीं होता हमारे साथ तो हमें हैदराबाद में पूरे हैदराबाद में ठंडी बोतल नहीं मिलनी थी। नहीं मिलनी, ये आसिफ भाई जो सुबह से मुखालफत कर रहे थे बाबा आइस बॉक्स गार्ड लगा रहे थे, अब जो पी रहा है वो शुक्रिया अदा करे था देखा। हाँ तो वो तो पी नहीं रहा, आसिफ तो पी नहीं रहा, नहीं पी रहा आसिफ, बाहर से खरीद भी रहा, बाहर से खरीद भी रहा। चलो बड़ा ज्यादा नहीं, चलो सही, कोई बात हो गया भाई। बाबा फोड़ते हुए अकरम का भाई मानी ला, ये कुल रिवाज वाला है जो हम लोगों को पसंद आता है। हाँ रिवाज वाकई भाई, जैसा हम तो खाते हैं मिर्चे वाला स्पाइसी, ये वैसा ही है, वैसी है, लेकिन क्योंकि मैंने उधर खाली है बिरयानी बहुत अच्छी है, ये स्पाइस के साथ वो थोड़ा स्पाइस कम था, लेकिन दोनों ओके। हाँ भाई शाहजान पता है यहाँ पे माशाल्लाह अच्छा है, मीठा बहुत बेहतरीन है। अच्छा मीठा अलग है, वो यहाँ का नहीं है, वो अलग से हमारे शारिक भाई लेकर आए, बाकी सब कह रहे हैं ये भी अच्छी है माशाल्लाह जबरदस्त। हाँ जी अच्छा है, मज़ा आया। तो मतलब लोगों ने जो बोला था अकरम का ट्राई करें बिरयानी, तो ये व्हाट्स इट है भाई? ये बस ये थोड़ा सा स्पाइसी है, वो थोड़ा सा नॉर्मल ही है। हाँ जी बेहतरीन हो गया। तो भैया ये था अकरम का बिरयानी का ब्लॉग और बड़ा मज़ा आया, क्योंकि पाकिस्तान की यही है खूबी है, जिस शहर में जाएंगे आप
थोड़ा सा किलोमीटर आगे जाते हैं, इवन शहर के अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आपको डिफरेंट टेस्ट मिलता है, डिफरेंट वैरायटी मिलती है और काफ़ी सारी इकसाम मिलती हैं। तो बिरयानी की मोहब्बत में जो ना हम हैदराबाद तक आ गए और अकरम की बिरयानी ट्राई की और बड़ा मज़ा आया। चटपटी बिरयानी थी क्योंकि यहाँ पर हमने दो ब्लॉग बनाए हैं बिरयानी के, तो दोनों डिफरेंट मिले हमें, कोई एक मतलब दूसरे से मिलता जुलता नहीं लगा। तो ये था फूड ब्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।